वेलकम टू द पाकिस्तानी ब्रोस रिएक्शंस। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। चैनल पर न्यू हो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको आने वाले अच्छे अच्छे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए। और कोई लिंक्स वगैरह हो तो आप हमें सेंड कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे जाके लिंक्स आप लोगों को इंस्टाग्राम के हम दोनों के मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। और यार बैकअप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, ट्रेलर्स और वो वहाँ पर हम कर रहे हैं रिएक्शन उनके, जो सॉन्ग्स वगैरह यहाँ पर हम नहीं कर सकते तो हम जाहिर बात है फिर वहाँ पे करते हैं। एग्जैक्टली और आप सीरियसली इंजॉय करोगे उनको। ये तो है। अब आते हैं इंट्रो पे। मेरा नाम आजाद है, मैं हूँ बशर। सो गाइस, आज की वीडियो का टाइटल था हिंदी में हमने ट्रांसलेट किया तो भारत ने दिया चीन को 440 वॉट का झटका। चीन ने कभी सोचा नहीं था इंडियन डिफेंस टेक्नोलॉजी, तो मतलब कुछ झटका दिया है मे बी उसको। हाँ, भारत ने चीन को, तो जिसका कभी मतलब चीन ने भी नहीं सोचा था। तो देखते हैं यार मतलब क्या किया है इंडिया ने मतलब इस तरह। जल्दी से वीडियो देखते तो हैं। पहले वीडियो देखते हैं टेक्नोफीरिया की वीडियो, ओरिजिनल लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। लाजमी इनका चैनल सब्सक्राइब करना। तो काउंट डाउन करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट। 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। चीन अपने आप को एक शक्तिशाली देश समझता है लेकिन अंदर से वह इतना कमजोर होगा हमने कभी सोचा नहीं था। चीन की नीति काफी पुरानी है कि वह दूसरे के जगह को अपना बताता है। भारत के कुछ क्षेत्र पर भी वह अपना अधिकार जमाना चाहता है। बिल्कुल सही बोल रहा है। देश को अपना हिस्सा मानता है और भारत के क्षेत्र में उसकी आर्मी घुसपैठ करती रहती है। दूसरी ओर चीन हिंद महासागर में भी अपना वर्चस्व बढ़ाना चाहता है, इसलिए उसकी नेवी हिंद महासागर में आए दिन हस्तक्षेप करती रहती है। आपको तो पता ही होगा कि चीन ने एक पूरे के पूरे देश पर कब्जा कर रखा है जिसका नाम है तिब्बत। चीन आज के जमाने में भी विस्तारवादी नीति का पालन करता है लेकिन भारत ने उसको ऐसा डोज दिया है कि चीन को 440 वोल्ट का झटका लग चुका है। चीन का उस समय ब्लड प्रेशर हाई हो गया जब भारत अपने तगड़े सैन्य बल के साथ चीन की विवादित जगह यानी दक्षिण चीन सागर में पहुंच गया। भारत, अमेरिका, जापान और फिलीपींस के नौसेना के साथ दक्षिण चीन सागर में पहुंचकर भारत ने चीन को यह कड़ा संदेश दे दिया है कि अगर वह हिंद महासागर में आ सकता है तो भारत भी दक्षिण चीन सागर में आता रहेगा। चार देशों के नौसेना भारत तो सीधे जवाब देता है। भारत भी साउथ चाइना सी में बता दें कि चीन दक्षिण चीन सागर को भी अपना हिस्सा बताता है और उस पे पूरी तरह अपना अधिकार जमाना चाहता है। लेकिन अमेरिका और दक्षिण चीन सागर में बसे देश जैसे फिलीपींस आदि देश इसका विरोध करते आ रहे हैं और अब भारत की मौजूदगी उसके लिए एक बड़ी चुनौती बन सकती है। आपको तो पता ही होगा कि अभी अमेरिका और चीन के बीच एक वॉर चल रहा है जिसका नाम है ट्रेड वॉर। ऐसे समय में दक्षिण चीन सागर में हुए इस युद्धाभ्यास ने चीन में हलचल मचा कर रख दिया है। यूएस नेवी का गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, जापान का एयरक्राफ्ट कैरियर और भारतीय नौसेना का 2 वॉरशिप के अलावा फिलीपींस का 1 गश्ती जहाज इन दिनों दक्षिण चीन सागर में मौजूद है। भारतीय नौसेना की तरफ से INS कोलकाता, INS शक्ति को दक्षिण चीन सागर में लिया तो ठोक के रख देंगे। वहीं जापान ने अपने सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर में से 2 एयरक्राफ्ट कैरियर को दक्षिण चीन सागर में भेजा। यह युद्धाभ्यास उस समय शुरू हुआ था जब अमेरिका ने दो एयरक्राफ्ट कैरियर द्वीपों पर भेजा था जिस पर चीन अपना दावा करता है। अमेरिका कहता रहता है कि इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र पर सबका अधिकार है और वह अपने देश के सेना को कुशल और शक्तिशाली बनाने के लिए युद्धाभ्यास कर सकते हैं। हम आपको बता दें कि रक्षा सूत्र की ओर से यह कहा गया था कि अमेरिका तो पक्का इंडिया के साथ है इस टाइम, पक्का जुड़ा हुआ है। पनडुब्बी ने और जापान भी में घुसने की हिमाकत नहीं की है। आखिरी बार चीनी पनडुब्बी अगस्त 2018 में भारतीय जल सीमा क्षेत्र के करीब आई थी लेकिन वह सुनादा स्टेट से ही वापस अपने क्षेत्र में लौट गई थी। पहले भी दक्षिण चीन सागर में ऐसे युद्ध अभ्यास होते रहे हैं लेकिन चार देशों का ऐसा युद्ध अभ्यास करना वो भी दक्षिण चीन सागर में चीन के लिए टेंशन की बात है। तो दोस्तों दक्षिण चीन सागर में भारतीय नेवी द्वारा किए गए तो बनता है। आपको क्या लगता है, क्या दक्षिण चीन सागर में हुई इस युद्धाभ्यास से चीन की टेंशन बढ़ेगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल पे नए हैं और आपने किया है तो इधर ही हुई ये वीडियो खत्म। तो सॉरी,
क्या कहेगा जातो इसके बारे में? यार मैं यही बोलूंगा कि चाइना वाकई में टेंशन में है, इस टाइम पे था आगे बढ़ नहीं रहा, अभी तो क्वाड भी बन गया। हाँ, और कहाँ से बनेगा भाई, जापान, अमेरिका, फिलीपींस, भारत जैसे बड़े जब जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया, ताइवान भी इंडिया के साथ है, जो कि मतलब जिसको अपना स्टेट बोलता है वो चाइना, और ताइवान उनका हिस्सा। उधर इंडिपेंडेंस डे मनाया जा रहा है इंडिया का, तो भाई इंडिया ने मनाया भाई, बिल्कुल, और इंडिया ने ताइवान का भी इस पर इंडिपेंडेंस डे मनाया, इधर मनाया, तो ये प्यार होता है। और यही बात है कि ये एक चीज बंदे एक कंट्री को पावर में लाती है। और यार जापान के पास एयरक्राफ्ट कैरियर है, मुझे मतलब वो लग रहा था वो फ्रिगेट्स वगैरह होंगे उसके पास, तो मेरे ख्याल में नहीं है, हो सकता है यार। हाँ मुझे सुनना है, एक है कमेंट सेक्शन में आप लोग बताना यार, कंफर्म कर, बिल्कुल। और जो इंडिया की पावर है इसमें तो कोई मतलब डर नहीं है भाई, मतलब वो इंडियन सी में आया तो इंडिया साउथ चाइना सी में चला गया, मतलब सीधा जवाब दिया है कि वो मतलब तुम आ सकते हो, हम भी घुस सकते हो, तुम हमारी सी में आ सकते हो तो हम भी तुम्हारे समंदर में जा सकते हैं, कोई अलवा क्या तुम लोगों ने समझा क्या, वही ना मोशर। और तो यार मतलब चाइना ये तो नहीं है कि मतलब तुम किसी मुंह में उठा के चले भाई, जो अपना है उसको संभाल भाई, तेरे पास मतलब यार उसकी जो आधा जो मतलब चाइना है ना, उधर तो लोग रहते ही नहीं है, वो एक कोने में जो है जहाँ पे ज्यादा आबादी है, बस एक हिस्से पे इस तरह, तो फिर भी पता नहीं यार लैंड को क्या करना है इतने, वही ना जब रह रहे हो यार, तुम्हारे पास रहे हो तो जो जगह है उनको बाहर करो यार, मुझे नहीं समझ आती क्यों यार, पता नहीं उल्टा अगर देखा जाए तो मतलब जमीन काम है तो यार किसी भी कंट्री को यार किसी भी कंट्री को करो ना, तो मुझे ये नहीं समझ आती कि क्यों जमीन इतनी जरूरत पड़ी, वही ना यार, वही तो समझ नहीं आती। लेकिन यार वही बात है ना, आप इंडिया से पंगा फिर वो ले रहे हैं तो इंडिया जवाब दे रहा है, और अमेरिका भी उसके साथ आया हुआ है कि भाई हम लोग भी इनके साथ यार हैं। अमेरिका है ही दुश्मन किसका, चाइना का, चाइना का, तो जापान किसका दुश्मन है, चाइना का दुश्मन, का दुश्मन भाई, बस यही चक्कर है, यही बात। और अमेरिका इतने अच्छे अच्छे वेपन्स भी दे रहा है, B-2 बॉम्बर भी लगाए हुए हैं, अमेरिका के सेल शेल हो रही है, अमेरिका भी सही पैसा कमा रहा है इंडिया से, जाहिर बात है पैसा भी कमा रहा है और हेल्प भी कर रहा है, तो ये पैसे के लिए सारा खेल करते हैं ना, कोई किसी का दोस्त नहीं होता इस टाइम पे, सही बात है, टाइम जो भी अपनी मदद खुद करनी यार किसी को, ये बात सही बोली। तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं यार, अपनी राय लाजमी कमेंट सेक्शन में दे, इधर ही वीडियो खत्म करते हैं, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आए, और यार अगर आप लोगों को कोई वीडियो वगैरह हमें भेजनी हो तो आप हमें इंस्टा पे शेयर कर सकते हैं प्लीज, वहाँ पे आप लोग अब एक्टिव हो गए, आप भेज सकते हैं, किसी को रिप्लाई नहीं किया वो दोबारा में मैसेज करें ताकि उसके मैसेज ऊपर आ जाता हूँ, रिप्लाई कर। तो यार यहीं पर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत बहुत ख्याल रखना, बाय।